उत्तर प्रदेश सरकार में 5 बार कैबिनेट मंत्री और राजनीति के बाहुबली नेता पंडित हरिशंकर तिवारी का 88 साल की उम्र में मंगलवार यानी 16 मई की रात को निधन हो गया। उन्होंने अपने आवास पर ही अंतिम सांस ली। निधन की सूचना मिलते ही धर्मशाला स्थित उनके आवास पर समर्थकों की भीड़ जुट गई, जो अगले दिन यानी आज सुबह तक और बढ़ गई। आपको बता दें कि पंडित हरिशंकर तिवारी को आखिरी बार देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हुई और खूब नारेबाजी भी की गई। आपको बता दें कि शव यात्रा निकालकर बढ़लगंज स्थित गांव टांडा ले जाया गया। वहां से शव को नेशनल इंटर कॉलेज में दर्शनार्थ के लिए रखा गया। फिर बढ़लगंज स्थित मुक्ति पथ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि साल 2007 तक हरिशंकर तिवारी का राजनीतिक जीवन ऊंचाइयों को छूता रहा, लेकिन उसके बाद पहली बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 2007 के बाद 2012 में भी वो चुनाव हार गए। इसके बाद उन्होंने अपनी सियासी कर्मभूमि छोटे बेटे विनय शंकर तिवारी को सौंप दी। साल 2017 में विनय शंकर बीएसपी से चुनाव लड़े और पूर्व मंत्री राजेश तिवारी को हराकर पुश्तैनी सीट पर कब्जा किया। यूपी की सियासत में बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पहचान रखने वाले पूर्व मंत्री पंडित हरिशंकर तिवारी की कर्मभूमि चिल्लुपार विधानसभा क्षेत्र रही। इस क्षेत्र से वो 1985 में पहली बार विधायक बने और लगातार 6 बार चुनाव में जीत हासिल की। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होते ही लंबे समय बाद 2017 में तिवारी पर पुलिस का छापा पड़ा। उस वक्त ये छापा प्रदेश की सुर्खियों में था। छापे के बाद हरिशंकर तिवारी खुद सड़क पर उतरे और कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठ गए। तिवारी के धरने पर बैठने के बाद पुलिस बैकफुट पर आ गई। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट, यूपी तक।